अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और जी मैं ये दिखा रही हूँ, छोटी सी वीडियो लेके आऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि बस ये ना मैं काम कर रही थी अपने, ना मेकअप बॉक्स सेट कर रही थी, साथ में ये रिंग्स और ज्वेलरी सेट कर रही थी। क्योंकि मेरा होता है कि मैं जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन से आके चीज़ें कोई कहीं उतार दी, कहीं अंदर वाले ड्रॉ में, कहीं बाहर वाले में। तो आज जो है ना मैं सारी जो है ना वो सेट कर रही थी, रख रही थी, निकाल रही थी, क्योंकि आज फारिग हो गई थी, फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो मैंने जब रिंग्स देखी ना, तो मेरी रिंग्स इतनी ब्लैक हो चुकी हुई थी ना, पहन पहन के। और मुझे जो रिंग्स पसंद है ना, वो इस तरह की रिंग्स पसंद है, छोटी छोटी सी और नाजुक नाजुक सी रिंग्स पसंद। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये जो रिंग्स है ना, एक ग्लास में डाली, इसमें डाली, और इसके अंदर जो है ना मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने ये डाला बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दी स्प्राइट या 7 अप जो भी है, और अगर कोक हो जाए तो वो भी चल सकती है, लेकिन फुल गैस वाली। और वो जो है ना मैंने ग्लास तकरीबन इतना भर के रख दिया, और उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट डिप हुई हैं। और आप इसकी शाइन चेक कर लें, ये चेक करें, एकदम जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल साफ हो गई हैं। ये चेक करें बिल्कुल, ये देखें कलर कितना नीट निकल आया नीचे से। पहले जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, आप सिर्फ मैंने 10 से 15 मिनट रखा है, और आप ये देख लें इसका रिजल्ट चेक कर लें। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ना एक तो फोकस आउट हो जाता है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर ये चेक करें, खैर आ जाओ भाई आ जाओ, ये चेक करें कितनी चमक गई है, शाइन हो गई है, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये चेक करें, सारी जो है ना रिंग्स मेरी बहुत ज़्यादा शाइन हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अभी मतलब जिनको नहीं पता, काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो ऐमी मैंने दिमाग में आइडिया लगाया। ये देखिए कितनी गोल्डन कलर कितना अच्छा निकल आया। अच्छा, ये वो रिंग्स हैं जो मुझे बहुत 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 पसंद हैं, और मैं ना इनको नहीं ज़ाया करती, बस मुझे ये पता नहीं क्यों पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसमें से जो एक ये वाली रिंग है ना, किधर गई ये वाली, ये मेरी अम्मी की रिंग है, तो ये भी जो है ना थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो गई थी। तो ये भी देख लें इसकी शाइन चेक करें किस तरह शाइन आ गया है, ये चेक करें आप शाइन किस तरह आ गई है। तो बस मैंने अभी मैंने इस पर ब्रश नहीं लगाया। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा बेकिंग सोडा लूँगी इस पर, या ब्रश पे लगा के इस तरह हल्का सा बेकिंग सोडा लगा के इसको अच्छी तरह रब करूँगी 1-2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए, और फिर मैं इनको जो हूँ ना सबको वॉश कर लूँगी। ये देखें सारी नीट एंड क्लीन हो गई हैं, सिर्फ ये एक नहीं हुई, ये मेरे ख्याल से वो परफ्यूम वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लगी है जिसकी वजह से जो है ना ये ख़राब हो गई है। लेकिन बस पता नहीं क्यों दिल नहीं करता इनको फेंकने का, मेरी ये बहुत फेवरेट है, मैं यही पहनती हूँ। चलो मैं करती हूँ दिखाती हूँ। चलो जी, ये मैंने ऑन कर लिया, और अब ये जो है ना ये देखिए ये बेकिंग पाउडर लगा लिया मैंने, और इसको जो है ना अच्छी तरह जो है ना मैं इस पर रब कर लूँगी अच्छी तरह, सारा जो है ना अच्छी तरह ऐसे। ब्रश बच्चों वाला ब्रश मिल जाए ना, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, तो ये अंदर तक जो है ना ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं ये चेक करें, इसके अंदर तक जो है ना वो चला जाएगा। बस इसी तरह हमने सारी अपनी रिंग्स ये लगा के हल्की सी ये बॉटल लगा ली हमने, ये देखें ये स्प्राइट के ना दाने दाने भी बन रहे हैं, ये हल्का सा हमने ब्रश मार दिया हल्का हल्का, ठीक है, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल न्यू वाली भी पड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत पसंद है, हल्की फुल्की सी होती हैं, और बस बंदा ना पहन के फटाफट जो है ना निकल जाता है बाहर। तो ये अच्छा, ये मज़े की बात बताऊँ, ये हैं भी बहुत पुरानी, बहुत पुरानी है, ये नहीं कि ये अब की पड़ी हुई है। मैक्सिमम भी ना इसमें से कुछ तो मेरी शादी से पहले की हैं, जैसे ये वाली मेरी शादी से पहले की है, और ये जो बारीक वाली हैं ये मेरी शादी से पहले की हैं। इनमें से ना मतलब इस तरह 1-2 जो है ना मेरी शादी से पहले की हैं, और अभी तक आप देख लें मैं इनको चला रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, और मुझे ऐसी मिलती नहीं है असल में, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं मिलती ऐसी। तो ये जो है ना मैं सारी करती हूँ, ये मेरी फेवरेट है, सबसे फेवरेट मेरी ये है, एक तो कैमरा फोकस नहीं करता ये। चलो मैं इनको करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, सबको मैंने ब्रश लगा लिया, और ये आप इनकी शाइन देखें, हालांकि ऊपर मेरी लाइट भी ना कम आ रही है, तो लाइट भी मेरी सिर्फ एक ऑन है, और आप इनकी शाइन चेक करें कि कैसे ये चमकने लग गई है। और ये पानी का कलर चेक करें आप, खैर ये पानी तो नहीं, स्प्राइट है ये, और इसका कलर चेक करें कैसा हो गया। वैसे आप कोक डालेंगे ना, तो कोक में
कोक, हाँ कोक, क्योंकि पेप्सी में भी इतनी ज़्यादा गैस नहीं होती जितनी कि कोक में होती है। कोक में सबसे ज़्यादा गैस होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा गैस होना वो वाली हमें बॉटल डालनी चाहिए। तो खैर मेरे पास तो कोक नहीं थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैंने यही डाल दी थी और उससे भी ये देख लें कितना फ़र्क पड़ गया। चलो मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी सारी मैंने वॉश कर ली हैं और आप ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइन आ गया। ये लास्ट वाली इसमें देखें, पीछे वाली में देखें किस तरह गोल्डन कलर आ गया है। ये जो आगे मेहरून है उसमें सब में, ये तो बिल्कुल आगे जो पिंक एक स्टोन वाली है वो भी किस तरह शाइन कर रही है गोल्डन कलर की। और ये देखें सारी जो है ना, और पीछे से भी मैं दिखा देती हूँ, पीछे से भी देखें किस तरह, ये देखें किस तरह शाइन कर रही हैं। एक तो मेरा कैमरा आज फोकस नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। ये देखें, आप देखें ये सारा हाथ, ये देखें पीछे से भी क्लियर हो गई है और आगे से भी कितनी ज़्यादा ये शाइन कर रही है। तो बस ये छोटा से छोटी सी एक टिप कह लें, कुछ भी कह लें, अपनी रिंग्स एयर रिंग्स जो भी हों ऐसे, तो आप उनको ऐसे जो है ना साफ कर सकते हैं, जो आपको बहुत पसंद है और फेंकने को भी दिल नहीं करता। ये वो रिंग्स हैं जो मैं 24 घंटे बस आते जाते एक मिनट में निकाली और पहन लेती हूँ। बाकी जो सही वाली रिंग्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं, तो ये मेरी फेवरेट है इसलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। तो चलें जी, अब मैंने कहा मैंने साफ़ कर रही हूँ और मेरी साफ़ हो गई है, और किसी की अगर कोई और चीज़ है जो उसको बहुत फेवरेट और उसका कलर ऐसे ख़राब हो गया हुआ है तो वो भी अपनी ऐसे साफ़ कर सकता है। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।